मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को मेरी तरफ से सुप्रभात, और जो मेरे छोटे बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनको मेरी तरफ से प्यारी सी एक स्वीट सी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। तो देखिए, रोज़ाना की तरह मैं आज भी 4 बजे के टाइम उठी थी, काफ़ी अंधेरा था और जैसे कि सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो कोहरा भी आ रहा था, और 25 दिसंबर से कोहरा आने लग जाता है। तो देखिए, 25 दिसंबर से काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है और कोहरा भी आ रहा है, और अभी देखिए कोई उठा भी नहीं है घर में, सब लोग सो रहे हैं अंदर। और मैं उठकर सबसे पहले झाड़ू लगाने लगी थी और मैंने गेट खोलकर बाहर झाड़ू लगाई थी। गेट के बाहर भी है, दुकान के आगे लगानी पड़ती है और रोड भी साफ़ करनी पड़ती है। तो सभी बहनें सुबह को उठकर रोड साफ़ करती हैं अपने घर के आगे, जो रोड है सभी लोग अपने घर के आगे से झाड़ू लगाते हैं। तो बाहर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अंदर आई थी, जो हमारा आंगन का एक थोड़ा कच्चा हिस्सा है तो वहाँ पर भी देखिए मिट्टी काफ़ी हो रही थी और कूड़ा था, तो मैंने वहाँ भी झाड़ू लगाई थी। और सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है तो बहुत सारा काम होता है और बहुत जल्दी काम निपटाना होता है, क्योंकि बच्चों का फिर नाश्ता तैयार करना होता है और बच्चे छोटे हैं, अभी खुद से तैयार भी नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, मैंने जो कूड़ा था वो सारा एक परात के अंदर भर लिया है, जो कि मैं फेंक दूंगी बाद में। और अभी झाड़ू तो लग चुकी है, लेकिन अब गाय के कमरे में जाना है। गाय का एक कमरा है छोटा सा, उसमें देखिए काफ़ी गन्ने की जो पत्ती डली हुई है ताकि गर्माई रहे, ठंड ना लगे गाय को। और आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा हो रहा है बाहर और कोहरा भी आया हुआ है। तो मुझे देखकर गाय पहले उठ गई थी, क्योंकि गाय को लगता है कि मुझे चारा डालने आए हैं, तो मैंने चारा पहले ही डाल दिया था। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गोबर को एक परात के अंदर भर लिया है, और इस पत्ती के अंदर से गोबर निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि इसमें फंस जाता है अंदर। तो इसको झाड़ झाड़ के मैंने सारा निकाल लिया है, और उपले मैं बाद में बनाऊँगी, अभी फ़िलहाल मौसम ठंडा है, लेकिन मैं इसको रख दूँगी भरकर बाहर, बाद में उपले बना लूँगी छत पर। और इसके बाद का जो काम होता है वो दूध निकालने का होता है। तो देखिए, मैं दूध निकालने के लिए आई हूँ, और गाय थोड़ा कम दूध देती है इसलिए मैंने एक भगोने में दूध निकाल लिया है, क्योंकि अगर मैं जग में निकालती हूँ तो जग छोटा पड़ जाता है, इसलिए मैं भगोना ले आई हूँ। तो दूध ऐसे ही शायद 1.5 लीटर करीब दूध होता है हमारी गाय का। तो देखिए, काम करते करते दिन चढ़ गया है, तो अब मैं नाश्ता बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो मैंने दूध को एक दूसरे भगोने में छान लिया है ताकि कोई बाल अगर गिरा हो तो वो निकल जाए, और गर्म करने के लिए मैंने गैस पर रख दिया है। गांव में बहुत काम होता है क्योंकि सभी घरों में जानवर पाले जाते हैं, तो जानवरों का काम भी काफ़ी बढ़ जाता है और फिर घर पर ही बहुत सारा काम होता है। शहरों में लोग तो 9 बजे के टाइम सोकर उठते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 बजे तक सारा काम फिनिश कर लेते हैं, बस खाने का रह जाता है जो कि दोपहर के खाने का होता है। तो देखिए, मैंने आटा गूंद लिया है, और सब्ज़ी मेरी रात की रखी थी बच्चों के लिए, मैंने बल बनाकर रख दी थी आलू की सब्ज़ी, तो मैंने उसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई छोटी सी रख ली है, और आटा भी गूंद लिया है, और अब मैं इस सब्ज़ी को दोबारा से फ्राई कर दूंगी। और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, हाथों मेरे को बहुत ठंडा लग रहा था, तो मैंने गैस पर ही हल्के हल्के हाथों को सेक लिया ताकि गर्माहट मिले, क्योंकि सुबह से ही ठंडे पानी में काम किया जा रहा था तो ठंडे पानी में तो बहुत ठंड लगती है। तो देखिए, मैं रोटी परौंठे बनाने लग गई हूँ। आज रोटी नहीं बनाऊँगी, आज बच्चों के लिए परौंठे बनाऊँगी। कभी परौंठे बना देती हूँ तो कभी रोटियाँ बना देती हूँ, और अगर बच्चों का रोटी या परौंठे खाने मन नहीं होता है तो कोई फास्ट फूड बना देती हूँ, जो भी बच्चों की जैसी भी चॉइस होती है उसी तरह से बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, और स्कूल लंच के लिए भी उन्हीं की चॉइस के हिसाब से बना देती हूँ। तो आज आलू की सब्ज़ी है, तो मैंने आज परौंठे बनाए हैं। और आज जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो मुझे खेत पर भी जाना है, गाय के लिए चारा लेकर आना है, बरसीन लेकर आना है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, अब हमारा बरसीन भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो आज खेत पर जाएंगे। जब बच्चे आ जाएंगे, बच्चों के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि बच्चों को खेत पर जाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खेत पर बहुत मस्ती करते हैं। तो बच्चे कहकर जाते हैं कि मम्मी आप जब जाओगे तो हमारे साथ चलना जब हम स्कूल से आ जाएंगे, तो इसलिए मैं तब तक अपना काम ख़त्म कर लूँगी, जब बच्चे भी वापस स्कूल से आ जाएंगे तब हम लोग साथ में जाएंगे खेत पर। तो देखिए, इस तरह से मेरे घर के सुबह के सारे काम निबट जाते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं उसके बाद बिल्कुल भी रुकना नहीं होता है, कंटिन्यू काम करते रहना होता है, तब जा कर के सारे काम फिनिश हो पाते हैं। और जिस तरह से हम सुबह को उठकर काम करते हैं,
तड़के में उठ जाते हैं और काफ़ी दूर घोड़ी के पास कूड़ा वगैरह फेंकने जाते हैं, गोबर फेंकते हैं, तो उससे हमारी ना एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है। तो देखिए, मैं बच्चों के अब लंच पैक कर रही हूँ। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है और बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ मैं। तीनों बच्चे के बॉक्स अलग अलग हैं और तीनों बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ। वैसे तो बच्चे ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, जितना लंच देती हूँ उसका भी आधा भी नहीं खा पाते हैं और वापस ले आते हैं। ये तो हर बच्चे की आदत होती है, सभी इसी वजह से माँ परेशान रहती हैं क्योंकि बच्चे अच्छे से लंच नहीं कर पाते, तो एक टेंशन रहती है मन में कि आज क्या बना कर दिया जाए। तो देखिए, सबका लंच मैंने पैक कर दिया है और साथ में टाइम पर भी ध्यान है कि समय भी काफ़ी हो रहा है, बच्चों को रेडी भी करना है क्योंकि ऑटो वाले जो अंकल हैं बच्चों के वो आ जाते हैं, टाइम से आ जाते हैं। उसके बाद में अगर बच्चे वहाँ पर नहीं जाते हैं, पहुँच पाते हैं, तो वो वेट नहीं करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अलग एक पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा दूध डालकर चाय बनाने के लिए रख दी है क्योंकि हम दो तीन लोग हैं जो चाय पीते हैं, बाकी बच्चों को मैं दूध दे देती हूँ और पिताजी भी दूध ही पीते हैं, उनको मैंने दूध दे दिया है गर्म करके। तो देखिए, मैं चाय में अदरक डाल रही हूँ और जल्दी से चाय बनाकर फिर बच्चों को नाश्ता दे दूँगी। दूध तो वैसे भी बच्चे ज़्यादा पीना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को दूध देना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, इसलिए मैं डांट कर उनको दूध पिला देती हूँ थोड़ा। तो देखिए, कोशिश तो बहुत जल्दी काम करने की होती है, जल्दी फिनिश हो जाए काम, लेकिन समय जैसे ही निकलता जाता है काम वैसे वैसे याद होते जाते हैं कि कौन कौन सा काम रह गया है। तो निस्वार्थ अभी उठे हैं सोकर, उनके लिए दूध ठंडा करना है। ये जब दूध पीते हैं तभी स्कूल जाते हैं, लंच वगैरह बहुत कम करते हैं और सुबह को ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो देखिए, बच्चे भी उठ गए हैं और फ्रेश हो रहे हैं और निस्वार्थ को मैंने दूध दे दिया है पीने के लिए। तो और यहाँ पर मैंने बच्चों को रेडी हो नाश्ता दे दिया है ताकि बच्चे जल्दी से नाश्ता कर लें, और साथ ही मैं नम्रता की चुटियाँ भी बना दूँगी क्योंकि इसकी दो चुटियाँ बनानी होती हैं स्कूल के लिए, तो टाइम काफ़ी कम रह गया है, इसलिए मैं नाश्ता करते ही नम्रता की चुटियाँ बना दूँगी। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि खाने में ना चली जाए, कोई बाल वाल ना चला जाए, तो पीछे करके मैंने धीरे धीरे से इसके बाल साफ़ करके और चोटी बना दी हैं। जब सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत सारा काम होता है, उसके बाद में फिर इतना ही काम हो जाता है जितना हमने पहले निपटाया होता है, क्योंकि बच्चे जब उठते हैं तो कुछ कपड़ों को निकालते हैं, फेंकते हैं और बहुत उलट पलट कर देते हैं घर में, तो वो सेटिंग जो है वो बाद में करनी होती है। तो बच्चों के उठने से पहले भी उतना ही काम होता है और बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर से उतना ही काम हो जाता है। तो देखिए, बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो चुके हैं, अब जब बच्चे आएंगे तब हम खेत पर जाएंगे, तो मिलते हैं आप खेत में जाकर। हेलो गाइस, देखिए हम खेत पर आए हैं बरसीन काटने के लिए, और देखिए हमारा जो बरसीन है इतना बड़ा बड़ा हो गया है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ सब। देखिए गाइस, ये लौकी की बेल अभी भी चल रही है, मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, और ये देखिए आलू कितने बड़े बड़े हो गए हैं, इसमें आलू पड़ने लग गए हैं, और ये हमारा बरसीन है, साइड में गन्ना है। तो देखिए, हम बरसीन काटने के लिए आए हैं, तो एक बार हमने बरसीन की कैरी को ख़त्म कर दिया है काट कर, दोबारा से आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो मैं ये काट रही हूँ ये फ्रंट का हिस्सा है जहाँ से हम निकल कर जाते हैं, तो यहाँ पर जो बरसीन है वो पैरों से ख़राब हो जाती है, तो मैं पहले इसी को काटती हूँ। तो गाइस देखिए, घर पर चाहे कितना भी काम हो लेकिन कभी कभी खेत में जाना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं पहले नहीं आया करती थी, लेकिन मेरे पास पहले कोई वजह भी नहीं थी आने की, इसलिए मैं नहीं आती थी। और देखिए, आज गाय है हमारे घर पर, एक गाय है वो दूध देती है, और पहले हम एक लीटर दूध मोल लिया करते थे तो बहुत मुश्किल होती थी, काफ़ी महंगा दूध मिलता था, तो और टेंशन रहती थी कभी कभी, भैंसों का ऐसा होता था कि दूध भी नहीं मिल पाता था, सभी की भैंसें दूध देना बंद कर देती थी, तो कभी कभी दूध मिलने में बहुत शॉर्टेज हो जाती थी, तो देखना पड़ता था किसके घर से अब दूध लगाएं। तो आज हमारे घर गौ माता है और भगवान की कृपा से ढाई से तीन, शायद तीन साल हो चुके हैं और अभी तक हमारे घर में दूध नहीं ख़त्म हुआ है, और अब फिर से हमारी गाय भी आने वाली है, प्रेग्नेंट है, तो उसका ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाता है और दूध भी देती है अभी।
तो इसलिए अगर मेरे पति का टाइम नहीं होता है तो मैं आ जाती हूँ खेत में बरसिंग लेने के लिए। तो देखिए कितनी हरियाली है और कितना अच्छा लग रहा है, और चारों तरफ बहुत ही हरियाली है, बहुत मन लगता है खेतों में आकर। तो देखिए बच्चे भी आगे बैठे हुए हैं और चाकूल है, छोटे छोटे चाकू ले रखे हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा बरसिंग काट रहे हैं। तो ये आगे का हिस्सा था जहाँ से मैंने काटा था बरसिंग, अब मैं आगे जा रही हूँ और बीच खेत में, तो कुछ वहाँ से काटूँगी। कुछ वहाँ से काटा था मैं, जहाँ हम निकल कर आते हैं तो पैरों से ख़राब हो रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ से पहले काट लिया। तो यहाँ पर देखिए हमारा मेथी, पालक, धनिया सब कुछ यहीं इसी खेत में लगा हुआ है, और आलू भी हैं, और आलू काफ़ी मोटे मोटे पड़ चुके हैं आलू इसमें। तो आलू भी अब देखो शायद 10-15 दिन के अंदर इस खोद लिए जाएंगे, क्योंकि इस टाइम आलू का रेट सही चल रहा है, तो इसलिए आलू अभी बेच देंगे ताकि आलू का जो रेट है वो हमें सही मिल पाए। तो देखिए यहाँ पर हमने एक कपड़े के अंदर बरसिंग को बांध कर गठरी, और हम घर जा रहे हैं। और ये रास्ता है, देखिए नम्रता ने रास्ते की फुल वीडियो बनाई थी। तो आज की वीडियो गाइस आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर भी किया कीजिए वीडियो को। और जब भी हम कोई ब्लॉग डालते हैं न्यू, तो प्लीज़ हमारी चैनल पर जाकर, या फिर अगर वैसे जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनके पास तो वैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को वॉच ज़रूर किया कीजिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने एक हाथ सेकने के लिए भट्टी बनाई थी, इसमें हैंडल भी लगाए हुए हैं, और इसमें बीच में सरिए हैं ताकि जो राख है वो नीचे निकल जाए और आग ऊपर जलती रह जाए। तो इसके ऊपर ही मैंने आज बैंगन का भरता बनाया था, मैं सोच रही थी बैंगन का भरता बनाना, तो मैंने चूल्हे में आग नहीं जलाई, मैंने सोचा कि भट्टी में हाथ सेक रहे हैं तो उसी पर बना लेती हूँ। तो मेरी देखिए बैंगन का जो भरता है सब्जी वो भी बनकर तैयार हो गई है, और मैंने दूध भी गर्म करने के लिए इस पर रख दिया है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं एक बहुत ही शानदार से, बहुत ही अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक आप बच्चों की मस्ती देखिए, और मेरी तरफ से गुड नाइट, स्वीट गुड नाइट।